हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सॉफ्ट टच ब्लीच क्रीम ब्लीच। ये आप देख सकते हो इस तरह के पाउच में है। पाउच मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने इसके बॉक्सेस नहीं मंगवाए हैं, ये पाउच में मंगवाई है। और 2 महीने पहले मुझे काफ़ी कमेंट आए थे इस ब्लीच के लिए कि मैं इस पर रिव्यू करूँ, इसके बारे में बताऊँ, इसका डेमो दिखाऊँ। सो मैंने इसे तभी परचेज़ कर लिया था, एंड मैंने इसे परचेज़ किया था www.saloni.pk, यानी कि ये एक पाकिस्तान की वेबसाइट है, ये बाहर की ब्लीच है, इसलिए मैंने इसे वहीं से परचेज़ किया था। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहाँ जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये मुझे 40 रुपीज़ की पड़ी थी। तो अब मैं इसके बता देती हूँ फ़ायदे और नुकसान दोनों ही। तो ब्लीच तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है हमारे फेस के लिए, एंड जो कि हमारे फेस पे एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन, काफ़ी रिंकल्स, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि ब्लीच आप अपने कपड़ों में भी यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि कपड़ों के दाग धब्बे 1 सेकेंड में छूट जाते हैं, किस तरह से वो मतलब एकदम वाइट निकल आते हैं हमारे कपड़े। सो ब्लीच में काफ़ी सारे केमिकल ऐड होते हैं जो कि हमारे लिए, हमारी फेस स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो इन नुकसान से बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ब्लीच लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लगाइए, मगर इसे तब जब कोई फंक्शन हो, शादी हो, या कहीं बहुत इमरजेंसी में जाना है आपको, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे लगा लेना चाहिए, तो आप यूज़ कर लीजिए। मगर हमेशा हर 15 दिन पर, हर 10 दिन पर, या मंथली, या 2 महीने में, मतलब इसको आप इस तरह से, मतलब एवरीडे के हिसाब से मत यूज़ करिए। इसे आप लोग कभी कभी यूज़ करिए तो आई थिंक ये आप लोग को एक बेटर रिजल्ट भी देगी और आपकी स्किन भी सही सलामत बनी रहेगी। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर मेरे वीडियो का आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इस ब्लीच की। ये जो ब्लीच है ये मुझे 40 रुपीज़ की पड़ी है, एंड इसका जो नेट वेट है वो है 10 ग्राम, एंड जो इसके साथ ये एक्टिवेटर दिया हुआ है, इसका जो नेट वेट है फ्रेंड्स ये है 5 ग्राम। इसे आप अपने फेस, अपने आर्म्स एंड अपने लेग पर यूज़ कर सकते हो अच्छे से, एंड जितने भी आपके अनवांटेड हेयर होंगे उसको ये कलर करके एक फेयर लुक देगी, एंड आपके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। एंड अब बात करती हूँ मैं इसके डेमो की। तो मैं आपको डेमो इसका इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि परसों मुझे एक वेडिंग में जाना है, तो मुझे ब्लीच करनी थी, तो मैं इसका डेमो भी आप लोग को अभी दिखाऊंगी। सो आप लोग खुद ही देखोगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, क्योंकि वैसे तो मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। बट मैं हमेशा इसको नहीं करती हूँ, या हमेशा ये क्या, कोई सी भी ब्लीच मैं हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ कि हर दिन या हर 15 दिन या हर महीने मैं इसे यूज़ करती रहूँ, नहीं। मैं जब भी किसी शादी फंक्शन वगैरह में जाती हूँ तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, वो भी ये भी नहीं कि हर शादी या हर फंक्शन में मैं इसे यूज़ करूँ, नहीं। अगर जब तक इसको 2 महीने या 3 महीने नहीं हो जाते हैं मैं दोबारा इसे अप्लाई नहीं करती हूँ। तो अभी इसको लगाए हुए मुझे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं अभी इसको लगा सकती हूँ। तो चलिए इसका डेमो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने लिया है ये एक कांच का बाउल, ये आप देख सकते हो, एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये पूरी ब्लीच। मैं इसमें ये पूरी ब्लीच ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये ब्लीच मैंने पूरी ले ली है, ये पूरी 10 ग्राम है, ये आपके पूरे फेस और नेक को कवर करेगी। एंड अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक्टिवेटर, एंड ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें, ये देखिए, एंड थोड़ा मैंने इसमें बचा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये आप देख सकते हो। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी इस ब्रश से, ये ब्लीच ब्रश है, ये आप देख सकते हो, फेस पैक या आप ब्लीच वगैरह इसे लगा सकते हो, ये इसलिए ब्रश होते हैं, ये वाले थोड़े फ्लैट में होते हैं, ये आप देख सकते हो। सो मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लीच को अच्छे से मैश कर लिया है एक्टिवेटर में ऐड करके, और अब मैं इस ब्रश से अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई करूँगी। एंड मैंने फेशियल बैंड लगा लिया है ताकि मेरे अपने हेयर को मैंने कवर किया है ताकि ये ब्लीच मेरे हेयर पे ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं ये ब्लीच लगाना स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले आप भी जब भी ब्लीच लगाएं तो आप लोग अपने फॉरहेड से ही स्टार्ट करें। और आप लोग अपने बालों को अच्छे से बचा लीजिएगा, मतलब
देखिएगा कि कहीं जो आपके हेयर है उसमें ये ना लगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरी ब्लीच अपने फेस पे अच्छे से और अपने नेक पर भी अच्छे से अप्लाई कर ली है, पूरी ख़त्म कर दी है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक्टिवेटर आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा। एक्टिवेटर ज़्यादा यूज़ करने से होता है क्या, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा जल्दी इचिंग होने लगती है, बहुत जलन होती है, इतनी की बर्दाश्त भी ना हो, आँखों से आंसू बहने लगते हैं एंड आँखें भी हमारी लाल हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक्टिवेटर आप बहुत कम मात्रा में यूज़ करें, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। थोड़ी सी आप इस तरह से दो चुटकी ले लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे क्योंकि मैंने एक्टिवेटर बहुत लिमिट में यूज़ किया है एंड मैं इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगा के रखूँगी। उसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कि कैसा है। मैंने अपने ईयर्स पे इसको यूज़ नहीं किया है, बहुत से लोग इसको अपने ईयर्स पे भी यूज़ कर लेते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने बस फेस और नेक पर ही अप्लाई करती हूँ। तो 15 मिनट्स के बाद आप मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसा है। तो गाइस 15 मिनट्स कम्प्लीट हो चुके हैं, तो मैं इस ब्लीच पफ की हेल्प से अपना पूरा ब्लीच अब रिमूव करूँगी, हटा दूँगी। आप देख सकते हो मेरे फेस पे एक सेकंड। तो फ्रेंड्स मैं अब अपने फेस को साफ पानी से, मतलब थोड़े ठंडे पानी से वॉश करूँगी क्योंकि होता क्या है ब्लीच लगाने से आप देखते हो हल्की हल्की रेडनेस आ जाती है, तो ये उससे एकदम चली जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ये रेडनेस अभी ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस आती है फ्रेंड तो आप बुक आइस वगैरह यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप लोग रोज़ वाटर लेके कॉटन में उसको ले लीजिए और पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। और मेरा जो फेस की स्किन है वो थोड़ी सेंसिटिव है इसलिए रेडनेस हो जाती है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। सो गाइस मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है एंड आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे अब ग्लो आना शुरू हो गया है, जो रेडनेस थी वो कम हो गई है एंड अभी और कम हो जाएगी, जो हल्की हल्की रेडनेस है वो अभी और कम हो जाएगी क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर के बाद आइस अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छे से, उससे मेरी रेडनेस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग मेरे फेस का ग्लो देखें इस ब्लीच से, तो इसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा से ही काफ़ी अच्छा लगता था एंड आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ लगा रखा है, ये आप देख सकते हो ये फेस पे ग्लो मेरे आएगा ही क्योंकि ये ब्लीच में मतलब इसको लगाने के बाद बहुत अच्छा फेस हो जाता है, फेस पे एक फेयरनेस तो आती है प्लस ग्लो भी आता है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो आप लोग मेरी नेक पे भी देख सकते हो। तो ये थी ये ब्लीच सॉफ्ट टच पीच क्रीम ब्लीच, तो मैंने अभी तक तो इसके पाउच ही यूज़ किए हैं मगर ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैं अब इसका बॉक्स भी मंगाऊंगी। अगर आप लोग को भी इसे परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ जाके। एंड इसके जो बॉक्सेस हैं वो 45 ग्राम के भी हैं, 75 ग्राम के भी हैं। 45 ग्राम का जो है वो है 100 रुपीज़ का एंड 75 ग्राम का है वो है 120 रुपीज़ का। तो आप लोग ये वहाँ पर मतलब वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा जो भी आप लोग को सही लगे, जो भी आपका मतलब बजट कहे, जो भी जितने का भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। वैसे मेरा मानिए तो पहले आप पाउच ही मंगवाइएगा और उसको पहले आप यूज़ करिएगा अपने ऊपर एंड अगर आपको सही लगे तब आप बॉक्स मंगाइएगा, तो मुझे अभी सही लगा तो मैं अब इसका बॉक्स मंगाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंड ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए अल्लाह हाफ़िज़।